ऑलरेडी गाइस ट्रैक तो मैंने शुरू कर दिया है और मेरे साथ हैं आदेश जी जो मेरे ट्रैक लीडर हैं, ट्रैक गाइड भी यही हैं आज के दिन में, कल भी ये मेरे साथ रहेंगे। सो फिलहाल के लिए हम दोनों ऊपर जा रहे हैं, ट्रैक मैंने शुरू कर दिया है बट थोड़ा सा पानी जम गया है यहाँ पर, जमने की वजह से थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है। ये हार्ड आइस हो रखी है इस वजह से चलने में दिक्कत हो रही है ना। कितने बजे हमने स्टार्ट किया था ट्रैक? 8:30, 9:11 हो रहे हैं इस टाइम। बट ये स्टीप बहुत है ये लाइक, और पैर फिसल रहे हैं, ये ठोस हो गया बर्फ, बर्फ ठोस होने की वजह से ना चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी तो सब ठीक ही है। सो ये एक मैगी का पॉइंट है, पिछला एक मैगी का पॉइंट पड़ा था, उसके बाद देन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, और इसके बाद जो पड़ता है वो जूड़ा का तालाब वाला पड़ता है। तो मैगी पॉइंट से लेके इस वाले मैगी पॉइंट तक का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो लिखा ना केदारकंथा ट्रैक। हालत एकदम खस्ता हो चुकी है, अगला तालाब थोड़ा सा इस वाले पॉइंट से ना, ये जो पेड़ है इन पेड़ों से ऊपर की साइड है, ये कुछ कैंप है यहाँ पर, ये की साइड और पीछे की साइड भी थोड़े से कैंप थे, ये की साइड वो रेंज है पीछे की साइड, ये टोटली सारी रेंज है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, वो बर्फ देख रहे हो कितनी सारी है, मतलब 3-3 फुट बर्फ है आराम से यहाँ पर। तो ये था पीछे की साइड, ये जूड़ा का तालाब है, और ये पीछे की साइड बेस कैंप वगैरह बना रखे हैं उन्होंने कैंपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि कंपनी वाले आते हैं उनके कैंप्स लगे हुए हैं, और जो ग्रुप्स के साथ आते हैं वो स्टे करते हैं। एक हॉल्ट ये पड़ता है, मतलब पीछे से लेके यहाँ तक आपके 3 हॉल्ट पड़ गए, ये 4th हॉल्ट है। तो पीछे आदेश सो वी आर नियर टू बेस कैंप, बेस कैंप की साइड है, थोड़ी दूरी रह गए जूड़ा के तालाब से, तो हम आ गए थे पीछे से, थोड़ी देर हॉल्ट लिया था, देन उसके बाद आगे आगे कुछ हिस्से की क्या ट्रेल है, मतलब 4-4 फुट बर्फ है यहाँ पर, और कुछ ऐसी हालत मेरी हो रही है, बाकी तो पसंद ही पता लगेगा। तो वो सामने की साइड पीक है, और ये केदारकंठा बेस कैंप है, वो सूरज, ये स्नो, ये पेड़, शुभम, और वो वहाँ पर आ गए आदेश हमारे ट्रैक लीडर। बस ऐसे कुछ नजर आए, तो भैया आगे बेस कैंप